जिला मुख्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में निर्मित किए जा रहे आईजी कार्यालय भवन निर्माण का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहरवासियों ने पुलिस द्वारा किए जा रहे निर्माण के विरोध में रोष स्वरूप धर्मशाला के कचहरी चौक पर प्रदर्शन किया। शहरवासियों ने इस दौरान पुलिस विभाग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में पिछले डेढ़ दशक में आयोजित गतिविधियों के रूप में वसूली की राशि का हिसाब मांगा। यही नहीं, शहरवासियों का कहना है कि कचहरी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का भी पुलिस प्रशासन हिसाब दे। वहीं क्षेत्र के समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने प्रदर्शन में शामिल शहरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने आईजी कार्यालय भवन निर्माण बंद करवाने में गंभीरता न दिखाई तो शहरवासी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। ऐसा है, एक आम नागरिक होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेवारी है। एक आम नागरिक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनको बता सकता है। वो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, स्थानीय मंत्री के पास जा सकता है, वो अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री तक जा सकता है। और अंततः कुछ नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक वे में जो उसका राइट है जो प्रदर्शन करने का, वो अपने राइट को परफॉर्म करेगा। अंततः न्यायालय की शरण में हमको जाना पड़ेगा तो हम वहां पे भी जाएंगे। एक लेमैन के नाते हम जहां तक भी इस इशू को ले जा सकते हैं, जिस भी एक्सटेंट तक ले जा सकते हैं, हम लेके जाएंगे। अतुल जी, यदि ये जो बिल्कुल निर्माण का निर्णय, अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम लोग किसी भी प्रकार का, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, लेकिन हम अपनी जन भावना को प्रकट करना चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सरकारें जो हैं सूनर और लेटर हमारी इस जन भावनाओं को समझेगी और उनका सम्मान करते हुए इस सारे इशू को जो है एड्रेस करेगी। जो प्रदेश जो शहरवासियों ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि धर्मशाला का हनुमान मंदिर में चढ़ावे वाला पैसा पुलिस के अधीन है, पुलिस इन पैसों का हिसाब सार्वजनिक जल्द करे। वहीं पुलिस ग्राउंड से जो पैसे पुलिस विभाग को मिले हैं उसकी आय की भी सार्वजनिक कर स्पष्टीकरण पेश किया जाए। शहरवासियों ने पुलिस प्रशासन को चेताया है कि समय रहते निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो धर्मशाला की जनता सड़कों पर उतरने में भी गुरेज नहीं करेगी और यदि हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेवार सरकार और पुलिस प्रशासन होगा। शहरवासियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस इस ग्राउंड को खत्म करने पर तुली हुई है। शहरवासियों का कहना है कि जहां निर्माण किया जा रहा है वहां पहले बास्केटबॉल कोर्ट था लेकिन उसे उखाड़ दिया गया। निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो आने वाले समय में खिलाड़ियों को खेलने के लिए भी जगह नहीं बचेगी और खिलाड़ियों को कैसे बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले धर्मशाला जो जाना जाता था वो यहाँ की ग्रीनरी के लिए, यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, इस चीज के लिए धर्मशाला की पहचान थी। लेकिन धर्मशाला की ये पहचान धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज का ये जो एजिटेशन है ये इसमें हमने तीन बिंदुओं को मुख्यतः लिया है। एक, आईजी कार्यालय का निर्माण जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड के अंदर किया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। दूसरा हमारा है कि शहर के मध्य स्थित जो सेंटर लोकेटेड जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर पुलिस विभाग का कब्जा है। प्रश्न ये उठता है कि एक विभाग का कब्जा एक शहर के अंदर कितना होना चाहिए। धर्मशाला एक ऐसा शहर है जिसमें अधिकतर कब्जा ही पुलिस विभाग का है। आम सुविधाओं के लिए, आम चीजों के लिए हमारे पास स्थान उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि शहर के मध्य जो पुलिस विभाग की प्राइम लोकेशन है वो अन्य जो संबंधित विभाग हैं या और जो विभाग हैं जिनकी जरूरत है उनको जो है वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और तीसरा हमारा मुद्दा है कि यहाँ पे जो हनुमान मंदिर मेरे ये साथ में स्थित है, ये हनुमान मंदिर बना है, पुलिस मैदान यहाँ पे बना है, इससे इनकम जनरेट होती है पुलिस विभाग को। पिछले 15 सालों का आय व्यय का ब्यौरा जो है उसको सार्वजनिक किया जाए, पुलिस विभाग बताए कि उसने इस पैसे की यूटिलाइजेशन किस प्रकार से की है, उसका क्या लाभ हुआ है जनता को। इसमें पे करने वाला तो एक आम व्यक्ति है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन पुलिस विभाग ने वहां की चीजों को डेवलप करने के लिए क्या किया। तो ये छोटी छोटी चीजों को लेके हम लोग जो है अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये हमारे एक जो सेफ गार्ड है, जो धर्मशाला की सुरक्षा की दृष्टि से ये ग्राउंड जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्मशाला जो है कम जोन में आता है और अति संवेदनशील जोन में आता है।
यहाँ पे रिएक्टर स्केल पे अगर सात स्केल पे अगर भूकंप आता है तो यहाँ की पूरी जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ सब तहस नहस हो जाएगा। 1905 में यहाँ भूकंप आया था। अधिकतर आबादी यहाँ पे कचहरी अड्डा, डिपू बाजार, कोतवाली बाजार, गुरुद्वारा रोड, दाढ़ी बड़ोल, ये सारी एरिया जो है यहाँ कंक्रीट हो चुका है और यहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा है। तो ऐसा हमारे पास कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे हम 10-15-20 हजार लोगों को एक जगह इकट्ठा करके मेडिकल एड कैंप्स और उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के समय हम उनको जो है कुछ सुविधाएं दे सकें। इसलिए ये हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस सारे के सारे को जो ये ग्राउंड है उसकी वास्तुस्थिति वही रहनी चाहिए, इसके लिए ये सारा जो है प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में जब पुलिस अधीक्षक कांगड़ा संतोष पटियाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उत्तक मामला पुलिस महानिदेशक व सरकार के ध्यान में है और वह इस बारे में कोई अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। देखिए वो तो हमारा सीनियर सुपीरियर ऑफिस है, उसके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता मैं। बाकी जो सारा मामला है शासन के विचार में है, डीजी साहब के भी विचार में है और सरकार के विचार में भी है, जैसा आदेश देंगे वो ठीक है। तब तक जो काम है वो निरंतर चलता रहेगा? नहीं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली एसपी ऑफिस के कंट्रोल में वो नहीं है, वो तो बड़ा ऑफिस है हमारे, वो कंट्रोलिंग अफसर है आईजी साहब हमारे, तो वहीं से है उनका, तो उसमें तो कोई भी कमेंट इस निर्माण के बारे में, उसके चलने या रोकने के बारे में यहाँ से वांछित नहीं है।